हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बीएस। आई होप यू आर वाचिंग माय इंग्लिश लेसन्स ऑन दिस चैनल रेगुलरली एंड ग्रामर वीडियोस आल्सो एंड आल्सो टेक्स्ट बुक लेसन का एक्टिविटीज आल्सो हैव बीन रेगुलरली पुटिंग। सो प्लीज़ डू वॉच इंग्लिश लेसन्स, इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, डू प्रेस द लाइक बटन। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स टू शेयर, डू राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। फील फ्री टू share any comment and please don't forget to share with your friends if you really like it. And last but not least, do not forget to subscribe my channel for more videos. Okay, so let's start with today's lesson. In this video we are going to cover up Maharashtra State Board Kumar Bharti English class 9 ka lesson number 2.3, which is Somebody's Mother. This is a poem written by Mary Daw Bryan. This is very simple and touching poem, Somebody's Mother. In this, there is a small boy who helps an old lady in crossing the road. She was scared to cross the road. He helps the old lady to cross the road. Okay, so let's come to the poem, Somebody's Mother. The woman was old and ragged and gray and went with the chill of a winter's day. The streets were white with the recent snow and the woman's feet with age were slow. What do you mean by ragged is old and torn clothes, फटे पुराने कपड़े। एक old lady थी जिसको फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे and उसके जो hair थे grey यानि white हो गए थे age की वजह से, and bent with the chill of a winter's day because it was a winter's day कि she was bent यानि back पे ऐसे bent था उसको, एंड स्ट्रीट्स जो थे वो पूरे स्नो से क्लैड थे, भरे हुए थे। एंड द वुमन्स फीट विथ एज वर स्लो यानि बिकॉज ऑफ ओल्ड एज उसके जो फीट थे वो स्लो हो गए थे, उसका चलने का स्पीड स्लो हो गया था। वंस अगेन लेट मी टेल यू अबाउट दिस फर्स्ट स्टैंजा। ओल्ड लेडी थी जिसको फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जिसके बाल वाइट थे एंड उसका जो बैक था बेंट था एज की वजह से, ऑल्सो इट वॉज विंटर। स्ट्रीट्स जो थी वो पूरी स्नो से क्लैड थी, भरी हुई थी, और जो वुमन थी वो ओल्ड थी, इसके लिए उसके पैर जो थे स्लो थे, उसका स्पीड स्लो हो गया था। ओके, एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग, जोसल्ड असाइड बाय द केयरलेस थ्रोंग ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एंग्शियस आई। ओके, थ्रोंग मीन्स ह्यूज क्राउड, अनहीडिंग यानि निग्लेक्टिंग अवॉइडिंग, जोसल्ड मीन्स पुश्ड। अभी क्या था कि बहुत सारा क्राउड था रोड पे एंड शी वॉज वेटिंग, बहुत टाइम से वेट कर रही थी रोड क्रॉस करने का, बट रोड पे बहुत सारे लोग थे, उसको जो अननोइंगली केयरलेसली जो ग्रुप ऑफ पीपल था उसको पुश कर रहा था, बाजू में कर रहा था एंड वो लोग आगे जा रहे थे। कि जो भी लोग वहाँ से जा रहे थे दे डिड नॉट पे अटेंशन, उसको देखा ही नहीं, एंड हर एंग्शियस आईज यानी इम्पेशेंट आईज वर लुकिंग कि कोई तो मुझे हेल्प करेगा रोड क्रॉस करने में, बट पीपल वर सो बिजी सो लॉस्ट, अपने ही इसमें धुन में थे, रोड क्रॉस कर रहे थे और इसको पुशिंग कर रहे थे, जोसलिंग कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। एंड दिस लेडी वॉज एंग्शियसली वेटिंग कि समबड़ी मुझे विल हेल्प मी। ओके, नाउ Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep, past the woman so old and grey, hastened the children on their way. Okay, अभी क्या था, street में गली में कुछ बच्चे school से छूटे, they were shouting, laughing, एकदम खुशी के मारे, क्यों, क्योंकि वो स्कूल से छूट गए थे, स्कूल लेट आउट, स्कूल छूट गया था तो फ्रीडम के मारे वो लोग हंसते चिल्लाते बाहर आ रहे थे। और जो बॉयज़ थे देवर लाइक फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ बकरियों के जैसे ना, पूरा ग्रुप था ऐसे हंसते खेलते भेड़ बकरियों के ग्रुप के जैसे ऐसे बाहर आ रहे थे, हेलिंग यानि वेलकमिंग। स्नो जो रास्ते पे था पूरा वाइट एंड डीप स्नो था, उसको वो लोग वेलकम कर रहे थे बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्नो इट सीम्स, तो
तो उनको मज़ा आ रहा था, स्नो के साथ खेल रहे थे, उठा रहे थे। और क्या हुआ, जो वो ओल्ड लेडी थी उसके बाजू में से ये लोग बच्चे लोग निकल गए हैसेंड यानी फास्ट फास्ट। चिल्ड्रन जो है अपने रास्ते पे फास्ट फास्ट निकल गए और वो लेडी इंतज़ार कर रही थी, उधर ही खड़ी थी। ये बच्चे जो थे स्कूल से छूटे थे और भेड़ बकरियों के जैसे जा रहे थे, ग्रुप में हंस रहे थे और स्नो को वेलकम कर रहे थे और लेडी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अपना फास्ट फास्ट वो लोग चलते जा रहे थे। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो वीक एंड टिमिड, अफ्रेड टू स्टर लेस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेज फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। नन ऑफर्ड हेल्पिंग हैंड, किसी भी बच्चे ने वो लेडी को हेल्प नहीं किया, मदद नहीं किया। वो लेडी वीक थी, कमज़ोर थी, टिमिड यानी डरपोक थी। वो लेडी कमज़ोर थी, डरपोक थी, अफ्रेड टू स्टर, स्टर यानी मूव, हिलने को उसको डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? लेस्ट यानी फॉर द फियर दैट, क्यों नहीं हिल रही थी, उसको डर था। शी हैड द फियर कि जो गाड़ियाँ हैं कैरेजेज यानी व्हीकल्स जो हैं उनके व्हील्स या फिर हॉर्सेस घोड़ों के जो पैर हैं वो शायद उसको ट्रैम्पल कर दें, ट्रैम्पल यानी कुचल दें, क्रश कर दें, ट्रैम्पल यानी क्रश। और जो स्ट्रीट है वो बहुत स्लिपरी है स्नो की वजह से, तो उसको लग रहा था कि मैं अगर रोड क्रॉस करूँगी तो जो व्हीकल्स के व्हील्स के नीचे शायद आ जाऊँगी या तो फिर हॉर्सेस के फीट के नीचे आ जाऊँगी, कोई ना कोई मुझे कुचल देगा और स्ट्रीट भी बहुत स्लिपरी है, मैं गिर जाऊँगी। तो दैट इज़ वाई शी नीडेड अ हेल्प, चाहती थी कि कोई मुझे हेल्प करे, मैं कमज़ोर हूँ, कोई आके मुझे हेल्प करे। ओके, एट लास्ट केम आउट ऑफ द मेरी ट्रूप द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो। अभी आखिर में क्या हुआ, एक लड़का आया उसके आगे एंड आउट ऑफ द मेरी ट्रूप, मेरी यानी हैप्पी, ट्रूप यानी ग्रुप ऑफ बॉयज, जो ग्रुप ऑफ बॉयज था उसमें से एक हैप्पी बॉय बाहर आया, ही केम आउट। गेस्ट यानी हैप्पीएस्ट होता है, जैसे हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, तो गे गेयर गेस्ट यानी हैप्पी बॉय, तो हैप्पीएस्ट सबसे खुश बॉय जो था ग्रुप में से वो बाहर आया। ही पॉज्ड यानी रुक गया, बिसाइडर उसके बाजू में रुक गया, एंड विस्पर्ड लो, विस्पर्ड यानी स्पोक इन अ लो वॉइस, धीमे से उसको बोला औरत को, आई विल हेल्प यू क्रॉस, मैं आपकी मदद करूँगा रोड क्रॉस करने में इफ यू विश टू गो, अगर आपकी इच्छा है तो। जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन था स्कूल बॉयज उसमें से एक हैप्पी बॉय आया और वो ओल्ड लेडी को धीरे से आके बोला, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ रोड क्रॉस करने में। हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट इज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। अभी हर एजेड हैंड ऑन हिज यंग आर्म यानी वो जो लेडी थी वो एजेड थी, ओल्ड थी, उसका हाथ जो है बच्चे के ऊपर रखा उसने, शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा, हर्ट नहीं हुआ, वो उसके शोल्डर पे हाथ रखा ओल्ड लेडी ने और बच्चे ने क्या किया, ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट, ट्रेम्बलिंग यानी शिवरिंग, उसके पैर जो थे डर रहे थे, तो बच्चे ने उसको जो डर रहे थी ओल्ड लेडी उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प किया और उसको प्राउड फील हो रहा था। क्यों प्राउड फील हो रहा था कि मेरे जो हाथ पैर हैं स्ट्रांग हैं, मेरे जो हाथ पैर हैं यंग एंड स्ट्रांग हैं, तो मैं इसको सपोर्ट दे सकता हूँ, सो फॉर दैट ही वॉज फीलिंग प्राउड। और फिर क्या हुआ, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स, को लेडी को रोड क्रॉस करवाया और वापस ये लड़का अपने फ्रेंड्स के पास चला गया। बट नाउ हाउ वॉज ही, दिस यंग बॉय वॉज वेरी हैप्पी एट हार्ट, दिल से खुश था एंड वेल कंटेंट यानी वेल सेटिस्फाइड था। क्यों सेटिस्फाइड था, उसको अच्छा लगा, बिकॉज ही डिड सम गुड वर्क, क्या अच्छा काम किया, ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करने में हेल्प किया और उसको लग रहा था शी इज़ ओल्ड, शी इज़ वीक, शी कैन नॉट गो, बट मैं जो हूँ स्ट्रांग हूँ, यंग हूँ, आई एम ऑफ हेल्प टू समबडी, सो फॉर दैट ही फील्ड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड।
she is somebody's mother. Boys, you know, for all she has aged and poor and slow, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is old and poor and grey, and her own dear boy so far. अभी दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा, क्यों उसको हेल्प किया. वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने क्यों उसको हेल्प किया. ठीक है, तो वो बता रहा है कि बॉयज़ आप समझते हो, शी इज़ एजेड, वो ओल्ड लेडी है, पुअर है, स्लो है. ठीक है, बट मैं ये सोचता हूँ कि कभी ना कभी कि मुझे भी, मेरी भी मदर होगी, वो ओल्ड हो जाएगी. आपको समझता है, मेरी मम्मी भी ऐसे हो जाएगी, वो भी ओल्ड हो जाएगी, तो उसको भी शायद कोई हेल्प करेगा. लेंड अ हैंड, यानी लेंड अ हैंड का मतलब होता है हेल्प करना. कभी ना कभी शायद मेरी मम्मी भी ओल्ड हो जाएगी, उसको भी कोई हेल्प करेगा. जैसे मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, तो शायद कभी ना कभी मेरी मम्मी भी अकेली होगी, मेरे मम्मी को भी मैं पास में नहीं होंगा, आई विल बी सो फार अवे फ्रॉम हर. तो कोई ना कोई बॉय आके उसको, ही विल लेंड अ हैंड, यानी ही विल हेल्प हिम. तो नाउ दिस बॉय आफ्टर कमिंग बैक टू हिज फ्रेंड्स, ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि मैंने क्यों हेल्प किया, बिकॉज आई कीप इट इन माइंड कि कभी मेरी मम्मी भी ओल्ड हो जाएगी, तो मैंने जैसे किसी को हेल्प किया है, तो शायद मेरी मम्मी को भी कोई आके ऐसे ही हेल्प करेगा. समबडी इज़ मदर बोर्ड लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट, एंड द प्रेयर शी सेड वॉज, गॉड बी काइंड टू दैट नोबल बॉय हु इज समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय. कि अभी वो ओल्ड लेडी जब भी उस दिन घर में पहुँची, शी बोर्ड, झुकी, झुकाया उसने अपना सर, झुकाया. एंड रात को जब भी वो सोई, तो उसने प्रेयर किया. क्या प्रेयर किया रात को सोने टाइम, कि गॉड वो जो अच्छा लड़का था, नोबल बॉय, जेंटल बॉय था, उसको जो है, ही इज़ समबडी सन, कि ही इज़ समबडी सन प्राइड एंड जॉय. किसी का प्राइड है, किसी की जॉय है, ही इज़ वेरी नोबल बॉय, तो प्लीज़ उसको हेल्प करो, उसको खुश रखो. दिस पोयम इज बाय मैरी डॉ ब्राइन. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोयम वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पोयम.